स्वागत है आपका वरदान न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ नैना शांडिलिया। चलिए शुरुआत करते हैं ईश्वर की खबरों के साथ। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक है उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति की कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या हुई? गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स आना चाह रहे थे यहाँ पर। अरे चुप हो जाओ। ये चीजें पहले शासन यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण में यह निर्णय लिया जा चुका था कि 144 के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। केवल जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ आए हैं और उनके द्वारा पंथ के साथ बैठ के सर्वसम्मति से उनके हाई पावर कमेटी के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको शासन द्वारा माना गया। ये आगे भी लागू रहेगा, किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी।